बुधवार के दिन कांग्रेस कार्यालय खिड़किया में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने कहा कि हरदा जिला यहां के प्रतिनिधि और उनके दलाल की वजह से पूरा जिला भय की जिंदगी जी रहा है। अगर युवाओं को बचाना है, जिले को भयमुक्त बनाना है तो यहां कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अब यह लड़ाई धर्म और अधर्म की हो गई है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की हो गई है। एक अधर्मी व्यक्ति जिसने धर्म और नैतिकता को छोड़कर जिले के हाल अराजक पूर्ण कर दिए, उन्हें हराना है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और दोगुने चुनाव जीतकर मंत्री बनेंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सरकार बनने के एक महीने बाद सारे माफिया हरदा छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जहां सुरेंद्र जैन ने उन्हें माला पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। हरदा से ललित बाथोले की रिपोर्ट। कांग्रेस में भी वही परंपरा कांग्रेस में भी है, वही भाजपा में भी है। सुरेंद्र जैन की भूमिका बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, अभी जनसंपर्क के लिए जा रहा हूं, फिर जैसे इनके आदेश होंगे मंडलम के, मैं पुनः आकर के घर डोर टू डोर जनसंपर्क का काम निपटाऊंगा। बहुत आपका स्वागत और सम्मान हो रहा है, अब आगे क्या आह्वान है? और ये मेरा स्वागत और सम्मान नहीं है, कांग्रेसी एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो ये सम्मान कांग्रेसियों का सम्मान है, सुरेंद्र जैन का कोई सम्मान नहीं। तो अभी जो क्षेत्र में विकास हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर इस बार मुद्दा बना के मैदान में है, तो अभी आप जनता पार्टी के विरोध पे आप चुनाव जीतना चाहते हैं या विकास को लेकर भी आप? मैंने विकास देखा, कमल पटेल का विकास कैसा है, जिनकी कोई जमीन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनका भी मुंह पूजा उन्होंने कर दिया। और विकास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है शांति, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सम्मान, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज में एकरूपता एक रास्ता। तो हम समाज में शांति के लिए, हमारे युवाओं की रक्षा करने के लिए, जो मादक पदार्थों का सेवन बढ़ गया है खिड़किया के अंदर, हरदा सीमा के अंदर, उस मादक पदार्थ की बंद हो, सट्टा जुआ बंद हो, हमारे परिवार के परिवार सब खत्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम आज जागरूक करने आए हैं कि विकास की शुरुआत है। जो सरकार आएगी वो विकास का काम करेगी, कमलनाथ की सरकार आई तो वो भी विकास का काम करेगी, लेकिन ये गारंटी है कि कमलनाथ की सरकार आई तो सट्टा जुआ अवैध उत्खनन मादक पदार्थों की बिक्री 100% हम बंद करेंगे। मंच पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के अलावा मैदान पर सुरेंद्र जैन की क्या भूमिका रहेगी? मैदान पर बूथ जीता तो चुनाव जीते, सुरेंद्र जैन की कोई भूमिका नहीं है उसमें, कार्यकर्ता ही अपनी भूमिका तय करता है। कार्यकर्ता को अपना सम्मान बरकरार रखना, कार्यकर्ता को अपना मान बढ़ाना है, वह बूथ जिता करके कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाए।